पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र स्थित हर्बल पार्क इन दिनों गुंडागर्दी का केंद्र बना हुआ है। टैक्स के नाम पर उगाही करने पर विरोध लोगों पर भारी पड़ रहा है। पार्क पर मौजूद दबंगों ने आज कई युवकों के साथ मारपीट की, जो मोबाइल में कैद हो गई है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित नया मुरादाबाद में बना हर्बल पार्क पिछले काफी समय से चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। ताजा मामला उस समय सामने आया जब छोटी सी कहासुनी में दबंगों ने कुछ युवकों की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल मामला आज दोपहर का बताया जा रहा है। हर्बल पार्क सरकार ने आम लोगों के लिए पर्यटन स्थल मानते हुए खोल रखा है, जिसके चलते लोग घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हर्बल पार्क पर कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ है, जो बाइक स्टैंड के नाम पर आम लोगों से मारपीट करते हैं। आज भी ऐसा ही एक मामला उस समय सामने आया जब कुछ लोग दो तीन युवकों को बुरी तरह से मारने लगे। ये पूरा वाकया मोबाइल में कैद हो गया। पीड़ित युवक ने बताया कि उससे बाइक की पर्ची कहीं गिर गई थी, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। उसने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। वहीं इस घटना पर जानकारी देते हुए सीओ सिविल लाइन राजेश कुमार ने बताया कि दो पक्षों के बीच बाइक पर्ची का विवाद था। एक पक्ष ने तहरीर दी है, जांच की जा रही है। क्या गाड़ी ये हुआ, इनके पास पर्ची नहीं थी। हमने इनसे कहा भैया अपनी गाड़ी की पर्ची दिखा दो। इन्होंने कहा था हमारी गाड़ी पर्ची खो गई। हम तो तीनों साथ साथ आए थे, लड़ने शुरू हो गए। ये हमारे साथ लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो गए। आपने, हम और गाड़ियों को निकाल रहे हैं, इन्होंने हमारी एक बात भी सुन के नहीं दी। ये जबरदस्ती गाड़ी घुसाने की तैयारी कर रहे हैं और हमसे जो है मारपीट करने को तैयार हो गए। इनके जितने भी लड़के थे, फिर आप लोगों ने मजबूरी में आकर के हमने इनको रोकने की कोशिश करी, जिसमें इनसे हमसे झगड़ा हो गया। अच्छा, पिटाई करी है फिर आपने? हमने कोई पिटाई विटाई नहीं करी। कितने लोग थे आप सब? कितने लोग थे पार्किंग के? बात सुन। हाँ भैया, कितने लोग थे आप लोग? भैया हमारे साथ में बस हम थे, मैं था, एक लड़का और था, दो भैया अंदर जो तीन चार लोग। भैया हमका हमें नहीं पता। मैं गाड़ी लेकर आया था यहाँ पार्किंग में दोस्तों के साथ घूमने के लिए। मैंने गाड़ी लगाई, तीन जन आए थे हम, तीन पर्ची, एक पर्ची मुझसे गिर गई धोखे में। मैंने पूरे में ढूंढ ली, मेरा घूमना घामना था, वैसे कम तेजी में मिल गया। मैं पहले पर्ची ढूंढूंगा, मैं गाड़ी पर आया हूँ, मेरे भैया की गाड़ी यही है। तो मैंने अपने दोस्त का आधार कार्ड ढूंढा, मुझसे बोला आधार कार्ड ढूंढ मुझे। मैंने अपने दोस्त, मैंने कहा मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, घर छोड़ आया हूँ। बोले किसी और का दिलाओ। मैंने अपने दोस्त का आधार कार्ड दिला दिया, ये आधार कार्ड दोस्त का दिला दिया। तुम मुझसे बोले गाड़ी पीछे करो। मैंने कहा गाड़ी पीछे क्यों करूँ, आपको आधार कार्ड दे दिया। तो उन्होंने आठ टच लड़कों ने मारने पीटने चालू कर दिया मुझे, और मेरे उल्टी सीधी जगह लात मारी है, मुझसे बर्दाश्त तक की नहीं हो रही है। और अब मारपीट के आपको देख कर मूवी बनाना आया तो ये लोग अंधों को चले गएंगे। ये लोग तो सब जने, ये सब इनके साथ के थे। ये एक जना खड़ा था यहाँ पर जब पर्ची मांगने के लिए, तो थोड़ा सा शोर मचा, तो ये सब जने आठ जना अंदर से निकल के आगा मेरे पास। कोई कौन सी जगह है ये? बरबल पा गई है, अरबल पार्क में आया था घूमने में। आठ दस लड़के अंदर से निकल गए। अभी तक किसी को फोन नहीं कराया, बहुत दूर से आए हुए हम, जामा मस्जिद से। हम यहाँ को किसको बुलाए इतनी दूर को एकदम? और हमने सोचा इतना बड़ा काम नहीं होगा, मगर इन्होंने अल्लाह तो खुदा चालू कर दिया। मेरे साथ में मेरे दोस्त थे, फ्रेंड थे, एक ये था और एक मैं था, एक ये था, तीन चार जने थे हम साथ में। घूमने के लिए आया था गाड़ियों का यहाँ पर, बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि हर्बल पार्क में मोटरसाइकिल स्टैंड पर पर्ची खो जाने पर दो बच्चों में उसी बात को लेकर आपस में कहा सुने हो गई, जिसमें मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। एक बच्चे ने तहरीर दी है, तहरीर के आधार पर मेडिकल कराकर जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ठीक।